संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रशीमा माली आंटी। आंटी आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे गुरु परिवार को प्यार भरा जय गुरुजी। आज का दिन मेरे लिए इतनी खुशी का दिन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैं डॉक्टर के पास बैठी थी, अपॉइंटमेंट थी, और धीरे से मैंने फोन अपना बिल्कुल धीरे किया हुआ था कि कहीं आवाज ना आए, लेकिन मुझे लगा कि कोई फोन बज रहा है, तो मैंने धीरे से फोन निकाला और देखा कि आश्रम से फोन है। तो मैंने कहा जी अंकल। बोले अंकल आंटी आज आप सत्संग करेंगी। मैं तो उसी समय मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं जब भी कोई ऐसा कोई मैंने क्या कहूं कि ऐसा मौका गुरुजी देते हैं, तो मैं तो धन्य हो गई। वहीं पे बैठे बैठे मैंने कहा जी अंकल मैं जरूर करूंगी, मुझसे इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। और आज मैं आप सबके साथ बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी से जब भी आज्ञा मिलती है सत्संग करने की या सुनाने की, सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमारा रोम रोम उनका शुक्राना करता है और ये सर उनके कदमों में झुक जाता है, और इससे और बड़ी कोई ब्लेसिंग्स और हो ही नहीं सकती। आज मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस गुरुजी का गुणगान करने का, महिमा का बखान करने का मौका दिया। उनकी कृपा जो हम सब पर बरसती है उससे भीग जाने के लिए ये पल दिए। हम जब भी सत्संग करते हैं हमारी जीवा गुरु जी का गुणगान करके पवित्र हो जाती है, हमारे कानों में उनकी महिमा सुन के धन्य हो जाते हैं, हमारी आंखें गुरु जी को देख देख के निहाल हो जाती हैं, और दिल से यही आवाज आती है कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विच रब दिसता, दिल करदा है तक दी ही जावा कि तेरे विच रब दिसता। संगत जी जब भी सत्संग करती हूँ गुरु जी से हाथ जोड़ के यही अरदास होती है कि गुरुदेव हे मेरे दाता आप जो चाहे मैं वही कहूँ, आप जैसा चाहे मैं वही कहूँ, अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी हम सबको माँ के जैसा प्यार देते हैं और एक पिता की तरह हमारा पालन करते हैं। मैं तो यही कहूंगी खुद को गुरु जी से जोड़ दो, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। जब जीवन की डोर गुरु जी को सौंप ही दिए तो बस अब हमें एक पतंग की तरह उड़ते जाना है और गाते रहना है, सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। गुरुजी कहते थे कि तुम मेरी शरण में हो तो ये मत समझना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख तकलीफ परेशानियां बीमारियां नहीं आएंगी, सब कुछ होगा लेकिन ये कभी मत भूलना और विश्वास रखना कि ये तो तुम तो बस 10% भुगत रहे हो, बाकी सब 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी जरा सोचिए कि जब 10% में हमारा हम इतना घबरा जाते हैं और अगर 100% होता तो हमारा क्या होता। गुरुजी ये भी कहते थे कि हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं उसका कारण है हम गुरुजी हमारे कर्म कटा रहे हैं, वरना अगले जन्म में फिर इन दुखों का को झेलना पड़ेगा। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजी। हम जब सत्संग करते हैं या सुनते हैं तो गुरुजी की बातें, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी दया को महसूस करने लगते हैं, और धीरे धीरे जब वे चाहते हैं, जब उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमारे मन के तार गुरुजी से जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये आप सबको पता है। गंगा के किनारे कोई बिना किसी भाव के जाके बैठे, बहती हवा उसे शीतलता प्रदान करती है। बहती हवा के कारण कुछ छींटे पानी के हम पर भी पड़ जाते हैं। सत्संग भी ऐसी ही बहती हुई मंदाकिनी है
यदि हम सत्संग में बिना किसी भाव के आकर बैठ गए तो भी यहाँ से जो भगवान की कृपा की बयार बहती है, हम उसमें धीरे धीरे खुद ब खुद बहने लगते। मैं आपको एक तिनके का उदाहरण देती हूँ। अगर कोई तिनका पानी में गिर जाता है तो हवा उसे जिधर ले जाती है वो उसी तरफ बहने लगता है। संगत जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब गुरुजी की कृपा की बयार बहती है तो हम और आप किसी न किसी बहाने सत्संग में पहुंच जाते हैं और उस तिनके की तरह खुद को गुरुजी को सौंप देते हैं और मन ही मन यही अरदास करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। संगत जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ यदि गुरुजी हमारे जीवन में ना आते तो शायद हम कभी सत्संग में भी ना जाते और ना सत्संग सुनाने और ना सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। ये शुरुआत आपकी और मेरी तरफ से नहीं, ये तो गुरुजी की ही कृपा है हम सब पर कि उन्होंने हमें सत्संग सुनने और सुनाने के सुंदर पल दिए। हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हम सब की गुरुजी की कृपा की परिधि में बैठते हैं। हम सत्संग में खुद नहीं जाते, हमें गुरुजी की कृपा ले जाती है। इसलिए जब भी सत्संग रूपी गंगा में बहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो पूरा आनंद लीजिए और अपने तन मन को और आत्मा को उसमें डुबो दीजिए और जो अमृत बरसता है उसे महसूस कीजिए। एक दिन मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी तो एक आंटी आई, हाथ जोड़कर गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के बोले, 80 साल दी हो गई है, उत्ते जान दा टाइम हो गया है, हले भी कहंदी है कृपा करो कृपा करो, और मैं किन्नी कृपा करा। मैं हंसने लगी और गुरुजी भी मुस्कुरा दिए। जो पल गुरुजी के साथ उनके चरणों में बीते हैं वो अनमोल हैं। अंपायर स्टेट तो आंखों से ऐसे समाया हुआ है जैसे चंदन में चंदन की खुशबू, गुलाब में गुलाब की महक, सीप में मोती। जब भी गुरुजी के साथ बीते पलों को सबके साथ शेयर करती हूँ तो दिल कभी कभी कहता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, हाँ वो हाय प्यारे पल छे। और कभी दिल गुनगुनाता है, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती हैं, तूफान उठाती हैं लहरों की तरह यादें। सचमुच गुरुजी ने मेरे अंकल के ऑफिस में 6 बार मैसेज भेजकर हमें अपने चरणों में बुलाया। संगत जी, हम गुरुजी के पास नहीं जाते थे, वो खुद हमें अपने पास बुला लेते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। जब पहली बार हम गुरुजी के पास पहुंचे, मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझसे कहा, तुम लोग तो आना नहीं चाहते थे, मैंने तो जबरदस्ती बुलाया है, आ जाया करो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुझे 3 साल बाद बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। मैं वहां बैठे बैठे सोचने लगी कि 3 साल बाद क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या बुरा, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ भूल गई और गुरुजी को देखते देखते ही उनमें ही खो गई। ऐसी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन सी अगरबत्ती की महक है जो हमें इतनी अच्छी लग रही है। यदि अगरबत्ती का नाम पता चले तो मैं भी खरीद लूं, लेकिन संगत जी, मुझे बाद में पता चला ये अगरबत्ती की नहीं, गुरुजी की अलौकिक खुशबू है जो हमें मदहोश कर देती है। सचमुच गुरुजी जब याद बाद में गुरुजी के चरणों में सेवा मिली तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू मेरे हाथों में भी समा गई। लंगर के बाद जब आज्ञा मिल जाती थी तो कार में बैठकर मैं अपने हाथों को ही सूंघती रहती थी। दिल करता था कि बस ये खुशबू, ये महक मेरे अंदर समा जाए। जी हाँ, इस खुशबू का एहसास हम सब आज भी करते हैं। सारी दुनिया में गुरुजी की दिव्य खुशबू फैली हुई है। मैं हर थर्सडे को गुरुजी के पास जाती थी।
बस सुबह से ही मन ही मन में गुरुजी के मिलने गुरुजी से मिलने की चाह में मोर की तरह नाचने लगता था और एक एक पल गिन गिन के गुजारती थी। बच्चे भी कहते थे, मम्मी आज तो बहुत खुश हो क्योंकि गुरुजी के पास जाना है। गुरुजी जी हाँ संगत जी, ऐसा ही खिंचाव था, ऐसा ही खिंचाव कि बस कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप सब भी ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही महसूस करते होंगे और दिल से यही आवाज आती है, बिन देखे प्रीतमा हाँ रह ना सका, हाँ रह ना सका। संगत जी, अगर हमें पता चल जाता था कि गुरुजी कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम सबके दिल मुरझा जाते थे। ऐसा लगता था कि गुरुजी से कुछ से एक पल का भी बिछोड़ा नहीं सहा जाएगा। एक बार गुरुजी का कहीं जाने को प्रोग्राम था तो वो संगत एक संगत ने पूछ लिया, गुरुजी कब वापस आएंगे? तो गुरुजी ने कहने लगे, महापुरुषा तो पूछीदा नहीं हुंदा कितने जा रहे हैं तो कद वापस आएंगे, महापुरुषा दी अपनी मौज हुंदी। संगत जी, जब भी गुरुजी चोला पहनकर अपने कमरे से निकलते थे तो ऐसा लगता था सारी दुनिया के मालिक साक्षात महाशिव कैलाश से आ रहे हैं और ये अलौकिक खुशबू हम सब को मदहोश कर देती थी और हम सब हाथ जोड़कर इन लालची आंखों से गुरुजी की ओर निहारने लगते थे। जब गुरुजी अपनी अपनी गद्दी पर बैठ जाते थे तो ऐसा लगता था कि मानो सूरज की मीठी मीठी खुशबू, वो सूरज उदय हो गया है और हम सब सूरजमुखी की तरह उनकी तरफ निहारने लगते थे। सचमुच एक एक पलक झपकने को भी दिल नहीं करता था। शबद गुरबानी का रस हम सब पीते थे और फिर अमृत जैसा लंगर एक थाली में चार जने खाते थे बैठ। उस दिन प्रणब मुखर्जी गुरुजी से मिलने आए थे, पहली बार आए थे। पहले तो गुरुजी ने उनसे मुझसे कहा, तेनू अपना सत्संग सुना महापुरुषा दे बारे दस। मैंने उनके पास पास बैठकर सत्संग किया। जब लंगर लगा तो प्रणब मुखर्जी साहब उन और उनका ड्राइवर, मैं और एक और अंकल, हम चारों एक थाली, हम लोग को एक थाली मिली। उनका ड्राइवर तो खा नहीं रहा था, बेचारा सोच रहा था कि साहब के साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है और फिर उन्हीं की थाली में बैठकर उनके साथ खाना माफ करिएगा खाना खाना, वो तो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने उनसे दो तीन बार कहा, रिक्वेस्ट की कि उसने लंगर खा लीजिए। संगत जी, गुरु के दरबार में क्या राजा क्या रंग, सब बराबर है, वहां कोई छोटा नहीं होता ना ही कोई बड़ा होता है। गुरुजी सबने हमें इतनी अच्छी तरह से समझा दिया कि कोई कितनी छोटी हो, हमारी सोच कितनी छोटी है, हम ना जाने क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आओ तो अकल और रफल बाहर छूटार के आया करो, क्योंकि हम सब खुद को बहुत समझदार समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन हमारी औकात क्या है ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते थे, तुसी जब मेरे को लांदे हो तो मैं थोड़े अगले पिछले सारे जन्मों तक एक्सरे कर लेना है, इसलिए हम सब जानते हैं कि गुरुजी के से कुछ छुपा नहीं है, वो तो जानी जान है, अंतर्यामी है। एक बार गुरुजी अपने स्वरूप बांट रहे थे तो मैं चुपचाप से बैठी हुई थी, इतने में गुरुजी ने इशारा किया तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने हाथ फैलाए तो गुरुजी ने अपने वो प्लास्टिक का थैला था उसमें से कुछ गुरुजी के स्वरूप निकाल के मुझे दे दी, तो मैं जाके अपनी जगह पे चुपचाप से बैठ गई। इतने में थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर इशारा किया, इधर आ। मैं फिर उठी और गुरुजी के पास गई, इस बार मैंने अपनी चुन्नी फैला दी तो गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ फोटो ली और मेरे झोली में डाल दी तो कहने लगे, ले सारियां पहना ले ले जा। तो गुरुजी, मैं अपना फोटो लेके सारी फोटो लेके अपनी जगह में आके बैठ गई। इतने में मैंने अपना, गुरुजी उधर फोटो बांट रहे थे, मैंने गिनना शुरू किया, एक दो तीन चार,
पांच छह सात, हम सात बहने हैं। तो बस मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह, गुरु जी ने सात फोटो दे दी। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि एक बहन की तो डेथ हो गई है, अब तो हम लोग छह ही बहने हैं। और जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया तो गुरुजी ने उधर से इशारा किया, मल्ली आंटी एक तस्वीर कट के एक स्वरूप आंटी बगल वाली आंटी नु दे दे। मैं कहती हूँ इसको कहते अंतर्यामी, एक एक पल की उनको खबर है, कौन क्या कब क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, सब गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए सबसे सत्संग से हमें यही बात समझ आती है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात भी गुरुजी जानते हैं। संगत जी, जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हो हमें घबराना नहीं है, ना किसी बात की चिंता करनी है, क्योंकि हम तो गुरुजी के चरणों में हैं, हर हाल में यही विश्वास रखना है। गुरुजी हमारी कई बार परीक्षा भी लेते हैं और उस वक्त मैं सोचती हूँ इम्तहान भी मुश्किल लेते हो और फेल भी नहीं होने देते। हमें हर हाल में दाता का शुक्राना करना है बस, और ये विश्वास रखना है कि जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। बस उसे पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, आपकी पुकार एक दिन उस दाता पर जरूर पहुंचेगी। और वो थोड़ा धैर्य रखना और उसकी प्रतीक्षा करना। मैं तो गाने लगती हूँ कि तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। संगत जी, 2001 में हम गुरु जी के चरणों में आए थे, तीन साल हो गए। एक दिन गुरु जी ने मुझसे कहा अगले महीने अंकल ने लखनऊ जाना है, तू नाल जरूर जाई, घूम के आई, लखनऊ देख के आई। मैंने कहा जी गुरुजी। अगले गुरुवार का दिन था, अगले बार फिर मैं गई, गुरुजी ने फिर वही बात दोहराई, अंकल लखनऊ जाएगा तो नाल जरूर जाई। मैंने कहा जी गुरुजी। इस तरह चार हफ्ते बीत गए तो, और अंकल लखनऊ चले गए। मैं नहीं जा सकी क्योंकि बच्चों की कुछ पढ़ाई का कुछ था और मदर इन लॉ भी घर पे थी, तो मेरे लिए जरा मुश्किल था और मैं नहीं गई। ये मैंने गुरुजी की आज्ञा के पालन नहीं किया, जिंदगी में पहली बार। और अंकल आप सोचिए, वहां एरोप्लेन से सीधे आईसीयू में चले गए, और जाते ही उनको तो मैंने डॉक्टर्स ने फटाफट अपना ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, और उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तीन चार दिन बाद इनके एक इंस्पेक्टर थे, उनका फोन आया कि सर बिजी हैं, बहुत मीटिंग है, इसलिए आपको फोन नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब छह सात दिन हो गए उसके बाद ये घर लौटे तो मुझे कहने लगे कि तुमको पता है मैं बहुत बीमार था। मैंने कहा है, आपने तो कहा था मीटिंग में बहुत बिजी है। कहने लगे नहीं, मैं तो यहाँ से प्लेन से बिल्कुल सीधे हॉस्पिटल ही चला गया। मैंने कहा अच्छा। तब भी मेरे ये ख्याल में भी नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्यों कहा था कि अंकल के नाल के साथ जाना है और वहां पे मस्ती करनी है। लेकिन बस गुरुजी तो ऐसे ही कहते देते कुछ बात, लेकिन हम लोग कई बार समझ नहीं पाते थे कि उस अगर मैं जाती तो ये अंकल बीमार ना पड़ते, कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने आज्ञा की पालन नहीं की और ये इंसिडेंट हो गया। फिर जब अंकल वापस आए तो कहने लगे मैं यहाँ दिल्ली में अपना इलाज नहीं करूंगा। हम लोग 11 साल बॉम्बे में रहे तो अंकल कहने लगे मैं तो बॉम्बे में जाके अपने डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी को प्रणाम करके हम लोग बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में भी आप देखिए, फ्लाइट से ये उतरे हैं और कहने लगे कि मैं डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट ले लूं। मैंने कहा हाँ ले लीजिए। बॉम्बे हॉस्पिटल उतर के हमने डॉक्टर के क्लिनिक में गए, डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने जैसे इनका चेकअप किया सीधे आईसीयू में। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल ठीक थे प्लेन में। तो कहते नहीं, ही इज़ वेरी सीरियस। मैंने कहा हैं,
क्या हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस मैं तो बस गुरु जी की एक फोटो, एक स्वरूप था छोटा सा लेमिनेटेड किया हुआ, उन दिनों तो गुरु जी बांटते थे ना, उन्हीं उसी में से एक तस्वीर मेरे अपने साथ मेरे हाथों में मेरे रहती थी और मैं चेयर पे बैठी रहती थी और गुरु जी को याद करती रहती। लेकिन 7-8 दिन तक ट्रीटमेंट चला, आखिर में डॉक्टर ने कहा, मिसेस मल्ली नाउ यू प्रे टू गॉड। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी माई गॉड इज विद मी। मैंने फट से अपने हाथ से गुरु जी की फोटो उनको दिखा दी और उनसे कहा। तो बस अगले दिन थोड़ी सी इनकी तबीयत, हाँ शाम को मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड थी उसको फोन किया, मैंने कहा शशि आज तुम गुरु जी के पास जाना तो बता देना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। शशि नेक्स्ट शाम को जब गुरु जी के पास गई तो गुरु जी से कहा, गुरु जी मल्ली आंटी का फोन आया सी। गुरु जी कहते मैनू दसन की कुछ कोई लोड़ नहीं, मैनू सब पता हैगा, उदे नाल मेरा कनेक्शन हैगा। और बस गुरु जी ने इतना ही कहा, उसने मुझे बताया कि गुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन इतना कहा है मेरे साथ तुम्हारे साथ उनका कनेक्शन है। मैंने कहा जब गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह दी तो मुझे और क्या चाहिए, जरूर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और संगत जी सच मानिए धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इन पे इम्प्रूवमेंट होने लगा और ये आखिर में 7-8 10 दिन लगे तो बिल्कुल ठीक हो गए और हम वापस दिल्ली आए। दिल्ली आते ही मैंने कहा मैं तो गुरु जी के पास जाऊंगी और मैंने जाके माथा टेका, आंखों में आंसू भरे हुए थे। गुरु जी कहते मल्ली आंटी अंकल नू न्यू लाइफ देनी सी, ऐसे लिए तेनु बुलाया सी। आप बताइए संगत जी कौन न्यू लाइफ दे सकता है ईश्वर के सिवाय। बस गुरु जी की ऐसी कृपा बनी रहे मैं कहती हूँ। फिर उसके बाद 2006 में अंकल को हार्ट फेल हो गया और अंकल मुझे छोड़कर चले गए। बहुत दुखी थी। थोड़े दिनों बाद ही गुरु पूर्णिमा आई तो सब कहने लगे चलिए आज भाभी आज चलिए गुरु जी के पास चले। मैं क्या बताऊं, मैं उसी हालत में बैठी थी, वैसे ही उठ के गुरु जी के दरबार में चली गई। बहुत रश था जैसे आप लोग जानते हैं, जितना आज था आजकल होता है उतना तो नहीं था लेकिन हाँ फिर भी बहुत रश था। और किसी को गुरु जी के पास खड़े होने की तो आज्ञा ही नहीं थी, बस हाथ जोड़ के निकलते जाइए निकलते जाइए। मैं भी लाइन में लगी हुई थी देख रही थी सब जगह कि सब लोग बस सब प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, बस हाथ जोड़े जोड़े निकले जा रहे हैं। मैंने कहा आज मैं भी ऐसे ही करूंगी, कहाँ गुरु जी कोई बात करेंगे। अब मैं जैसे ही गुरु जी के पास हाथ जोड़ के निकली तो गुरु जी ने अपने पास बुला लिया और कहा इधर आ बह जा। मैं गुरु जी के पास बैठ गई और आंखें थी कि बस गंगा जमुना की तरह बहने लगी। तो गुरु जी ने कहा आंटी रोई ना, अंकल स्वर्ग चहेगा बहुत खुश है, चिंता ना कर, तू रोएंगी तो उन्हें दुख होएगा। मैंने कहा गुरु जी आपके होते मुझे किस बात की चिंता, बस आप हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उस दिन फिर गुरु जी ने मुझे आज्ञा दे दी और चली मैं चली गई। इसके बाद अब अंकल की जब डेथ हुई थी तब मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी थी, उसने एमबीए का एग्जाम मैंने एमबीए पास की थी, बहुत जॉब के लिए तो बहुत ट्राई कर रहा था, कहता मम्मी पता नहीं कहाँ जॉब लगेगी क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इतने पता नहीं आप बाहर होगी का किसी बाहर स्टेशन पे होगी तो फिर मैं क्या करूं, आप अकेले कैसे रहोगे। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं मेरे साथ गुरु जी है सब ठीक होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और देखिएगा आप देखिए उसकी जॉब गुरु जी ने फरीदाबाद में ही HDFC बैंक में लगा दी। मैंने कहा देखा ये है हमारे गुरु जी कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी विपरीत परिस्थितियों में गुरु जी हमें इतनी शक्ति दे देते हैं कि ये मुश्किल वक्त कब और कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।
गुरुजी की शान में दो लाइनें कहती हूँ, तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहां में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। संगत जी, गुरुजी की पनाह में, उनके प्यार में डूब के, उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान को देखकर, उनकी वो अलौकिक खुशबू को अपने चारों तरफ पाकर हम क्या महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी हालत तो उस गूंगे की तरह हो जाती है, जीवें चाख शहद गूंगा मुस्कावे। आप खुद सोचिए, एक गूंगा भला कैसे बताए कि शहद का स्वाद कैसा होता है। ऐसे ही कुछ अवस्था हम लोग की भी होती है जब हम सत्संग करते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे मन में इतने भाव आते हैं, इतना कुछ कहना चाहती हूँ। वो पल जो गुरुजी के साथ बीते हैं, उस वक्त को मैंने क्या क्या महसूस किया, वो सारी बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी सफर की किताब आप सबके सामने खोल के रख दे रही हूँ, लेकिन यूं लग रहा है कि जैसे गूंगे की तरह हुआ, मेरी हालत भी उस गूंगे की तरह ही हो गई। और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। सच्ची इस गाने की ये चार लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो गुजर तेरे साथ होती। सचमुच मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये जिंदगी के सफर में उन्हीं पलों को असल मायने में जिंदगी कहूंगी जो गुरुजी के चरणों में बीते हैं। और जब जब भी गुरुजी का सत्संग करने या सुनाने का मौका मिलता है, तो अपनी जिंदगी बस ऐसा लगता है कि इसमें से ज्यादा जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ सॉरी उस समय मेरा दिल कहता है, कुर्बान जावा उस बेला सुहावी जिस तुमने द्वारे आया। आज हम सब के साथ सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो बस आंखों में एम्पायर स्टेट है और गुरुजी की वो मन मोहिनी सूरत आंखों में घूम रही है। और जब भी गुरुजी की कृपा जब उनकी होती है, दृष्टि पे मुझ पर पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पानी की तो एक छोटी सी बूंद हूँ। और मुझे कहा गया है कि सागर की गहराई के बारे में बताओ, गुण बताओ, सागर की महिमा गाओ। उस वक्त मैं अपने मन में गुरुजी को याद करके उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि हिम्मत और मांगती हूँ, और जो भी वो चाहते हैं वही बोलने लगती हूँ। कबीरदास जी ने भी कहा है ना, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं सब बन रहा है, सात समंदर मसी करूं तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। सचमुच गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना बहुत मुश्किल है। गुरु जी की कृपा से ही जब गुरु जी हमारे जीवन में आए, तो उन्होंने हमें समझाया कि गुरु का कितना महत्व है। साक्षात शिव का जब गुरु जी के रूप में हमारे जीवन में आगमन हुआ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो था हम सब का कल्याण। गुरुजी को पाना हमारे पुण्य कर्मों का फल तो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन पुण्य कर्मों से भी बढ़कर है गुरुजी की कृपा। उनकी कृपा के आगे हमारे पुण्य कर्म तो कुछ भी नहीं। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी सत्संग करती हूँ, उसमें मल्ली आंटी खुद को गुरुजी के चरणों की धूल समझकर ही करती है। मेरे सत्संग में अगर कुछ है, तो वो है उस मालिक का गुणगान, उसकी महिमा, उसकी लीलाएं, उसका प्यार, जो वो हम जैसे निमानों को भी मान दे देते हैं। इतने दयालु हैं हमारे गुरुजी, शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है उनके सामने, और दूसरा शब्द हमें पता नहीं है, इसलिए सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनसे अरदास करती हूँ कि मालिक हमें बख्श देना, क्योंकि मैं तो तू तो है ही बख्शनहार। आइए और एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सारे सत्संग आप सबके साथ शेयर किए हैं, ऐसा ही लगता होगा कि ये तो पहले भी सुनाया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बार नहीं, चाहे हजार बार सुनने को मौका मिले,
उसी प्रेम भाव से डूब कर ही सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में तो बस किसी और का जिक्र नहीं, उस परमात्मा का ही गुणगान है, उसी की महिमा है, उसी की लीलाएं हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। ये अनमोल जीवन जो हमें मिला है उसे हम व्यर्थ ना गवाएं। एक बार गुरुजी की चरण दबा रही थी, चरण दबाते दबाते गुरुजी ने कहा, आंटी तू मेरी मीरा। मैंने कहा, गुरुजी मीरा? कहते हाँ तू मेरी मीरा। मैं तो सुन के एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा, गुरुजी मैंने सुना है मीराबाई तो बहुत कृष्ण की भक्ति, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं कैसे समझ लूं मैं कि मैं आपकी मीरा? यानी मैं कह ना तू मेरी मीरा तो मीरा। तो मैं सच कहती हूँ, गुरुदेव को आगे हाथ जोड़ के मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी, उसे मेरे हाथ जोड़ के और मैंने कहा, गुरुदेव मैं मीरा, आपके आपने कहा है तो मैं मीरा बनने की कोशिश करूंगी, आप उसमें मेरे को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और उन्होंने सचमुच मुझे कई बार बुलाते, आओ मीरा आंटी, आओ मीरा आंटी, ऐसे भी प्यार से बुलाते थे। एक सत्संग है जो मुझे बहुत ही प्यारा है। यूं तो हर सत्संग ही बहुत ही दिल को छूने वाले होते हैं, जिसके साथ जैसा बीता होता है वो वही महसूस कर सकता है। तो हम लोग भी सब जब एक बार मेरठ गए गुरुजी के साथ, रात को 2 बजे गुरुजी अपनी गाड़ी कॉन्टेसा में बैठ के दिल्ली वापस आ रहे थे, तो सुधा आंटी उनके बगल में बैठ गई और सब संगत गुरुजी को प्रणाम कर रही थी सब। तो मैं वहां पे चुपचाप से वहीं पे खड़ी थी कोने में, मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैंने मन में सोचा, हाय ये सुधा आंटी कितनी लकी हैं जो गुरुजी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। क्या मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं गुरुजी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जाऊं? मैं बस यही सोचती रही और इतने में गुरुजी की गाड़ी चली गई। नेक्स्ट डे हम लोग सब दिल्ली आ गए। आके तीन चार महीने बाद गुरुजी ने कार्ड मुझे कहा, ये ले कार्ड ले, बच्चिया नु लेके कनाट प्लेस आई, शादी है। मैंने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी जो भी आज्ञा देते थे हमारे सर माथे पे होती थी। सचमुच इतनी खुशी हुई, गुरुजी ने कहा तू शादी पे आना है और बच्चों को लेके आना है। मैं तो उस दिन मैं भी तैयार व्यार होके बच्चों को दोनों को लेके और एक मेरी मेड सर्वेंट थी उसको लेके मैं गई। वहां ऊपर स्टेज बना हुआ था, शादी में तो सब लोग अपना बिजी थे, जहाँ सब गुरुजी के बैठने की जगह थी, सामने गद्दे लगे हुए थे, मैं भी वहीं बैठ गई चुपचाप से, कोई ज्यादा संगत नहीं आई थी। तो 9 बजे के करीब गुरुजी आ गए, तो हम लोग सब बारी बारी प्रणाम करने के लिए खड़े होते गए और प्रणाम करके हम सब अपनी जगह में आके बैठ गए। इतने में गुरुजी ने वही एक उंगली से इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाया। मैं गई, मैंने कहा, जी गुरुजी। कहते बह जा, मैंने बैठ गई। कहते और की हाल चाल? मैंने कहा सब ठीक है गुरुजी। कहते अच्छा तो तू लंगर खा लिया आंटी? मैं क्या, मैंने सोचा शायद शादी में जो कुछ भी खाना है उस कह रहे। मैंने कहा नहीं गुरुजी अभी मैंने कुछ नहीं खाया है। कहते तू आज लंगर मेरे नाल करी? मैं कहूँ लंगर गुरुजी के साथ करूंगी? मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने कहा शायद गुरुजी जो भी शादी में खाएंगे मैं भी खा लूंगी। थोड़ी देर बाद 11 बज गए, गुरुजी कहते चलो चलिए। मैंने कहाँ जाना है गुरुजी? अरे तू असी इत्थे नहीं लंगर करना, असी तो अपने एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर जावांगे उत्थे लंगर करांगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है गुरुजी, फिर मैं बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में आती हूँ। कहते नहीं तू आज मेरी गड्डी मेरे नाल बहना हैगा। मैंने कहा मेरे मालिक एक छोटी सी तमन्ना की थी इस दिल ने तो तूने आज पूरी कर दी, तुझे तो सब मालूम है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आप लोग सबको बता नहीं सकती। फिर गुरुजी मेरे राइट साइड में बैठे और मैं लेफ्ट साइड में बैठी, गाड़ी चल पड़ी। मैंने कहा बच्चे, गुरुजी कहते बच्चे गड्डी दूजी गड्डी जान गए अपने आप। मैंने कहा ठीक है। सारे रास्ते गुरुजी अपने अपना हाथ दे दिया, मैं उनके हाथ दबाती रही।
और गुरुजी अपने मंत्र पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनके हाथ दबाते 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 कब सारा रास्ता कट गया और एम्पायर स्टेट आ गया। वहां जाके अंदर मंदिर में बैठे हम, इतने में गुरुजी ने कहा कि लंगर लगाओ, और वहां से इतने में मेरे बच्चे भी आ गए दोनों, वो भी बैठ गए, मेड सर्वेंट भी आ गई, हम बस पांच जने थे। तो गुरुजी ने कहा इतने में साग, सरसों का साग, गरम गरम सरसों का साग और मक्की की रोटी आ गई सबके लिए। हम सब ने खाना शुरू कर दिया, गुरुजी भी खा रहे थे। इतने में गुरुजी ने अपनी कटोरी, तो आधा साग खा के मेरे को दे दी कटोरी, कहते ले ये साग खा। मैंने कहा जी गुरुजी, मेरा तो, मैं तो धन्य हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी उस समय क्या हालत थी। मैं इतनी खुश थी कि मैं कह रही कि आज बस ये खा के मैं यहीं पे मर जाऊं तो शायद बेटर होगा। तो इतने में रोटी गुरुजी के लिए आई मक्की की, तो उन्होंने आधी रोटी तोड़ के मेरे को दे दी। मैंने कहने ले ये मक्की दी रोटी भी खा। तो मैं तो बस गुरुजी के प्यार में डूब के वो उस पलों को जब भी याद करती हूँ ना, इतनी खुशी होती है कि मैंने भगवान को देखा है, भगवान को चाहा है, और भगवान ने मुझ पर कृपा करी अपनी, जो उन्होंने अपने हाथ से ये प्रसाद मुझे दिया, मैं खाया। फिर कहते गुरु जी बड़े प्यार से कहते मल्ली आंटी ले देसी घी पा के शक्कर लेके आओ। तो आप लोग सोचिए, जब ईश्वर इतना प्यार करता हो, इतना वो सबको ही करता है, खाली मुझ पे नहीं, उसके लिए तो सब बराबर, लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते। और मैंने वो शक्कर भी खाई। फिर गुरुजी के लिए एप्पल आए, अमरूद आए, सब काट के सब उन्होंने मुझे दिए और खुद भी खाए, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं दिया। मैंने कहा शायद बच्चे तो अभी छोटे हैं, उन लोग इस काबिल नहीं कि अभी उनको मिले। तो अंकल बस संगत जी, गुरुजी ने इतने प्यार से खिलाया, इतने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद हम अपने घर आ गए। इतनी खुशी होती है आपके साथ, सबके साथ, ये बार बार वही सत्संग है। मैं और मन से तो कुछ बना के नहीं कह नहीं सकती हूँ, बहुत सत्संग है आप लोग के सुनती हूँ। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि डेली रोज सोने से पहले सत्संग सुन के, कोई ना कोई सत्संग सुन के ही सोती हूँ। और इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकती, कि बस हाथ जोड़ देती हूँ गुरुजी के आगे और गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुदेव जिस रास्ते पे आप चला रहे हैं, हम सब कोशिश तो करते हैं फिर भी भटक जाते हैं, कई बार हो जाता है। आपने हमारी हाथ पकड़ा है, हमारी बस ये हाथ कभी छोड़िएगा नहीं। एक बार अंकल की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा कि चलो आप गुरुजी के पास चलो, ठीक हो जाओगे, वहां पे जाके अच्छा लगेगा। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ और कह देना गुरुजी को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा ठीक है। उस दिन गुरुजी अपना किचन के पास ही बैठे हुए थे, मैं गई, मैंने प्रणाम किया, कहने लगे गुरुजी, मैंने कहा प्रणाम करके मैंने कहा गुरुजी, कहने हाँ की गल है, मैं कि गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं की करा, जाओ उठ जाके बैठ जा चुप करके। मेरे को इतनी शर्म आई, मैंने कहा सब लोग मुझे देखने लगे कि आज तो मल्ली आंटी को भी डांट पिट गई है, लेकिन ये वो डांट भी हमारे लिए तो बस पूछिए मत क्या है। और मैं वहां पे चुपचाप से जाके बैठ गई और आंसू थे, गिर रहे थे। फिर गुरुजी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चले गए, जाके वापस आए, हम लोग सब बैठ के लंगर खा लिया। मैंने भी खा के फिर प्रणाम करने के लिए उठी और गुरुजी से आज्ञा चाही। तो गुरुजी कहंदे रसोई च अंकल ली रोटी ते सब्जी रखी है, लेके जाई तो खिला दे उन्होंने। तो मैंने कहा देखो मेरे दाता, एक तरफ तो तुम डांट देते हो और दूसरी तरफ इतना प्यार देते हो, इतना प्यार करते हो कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं वो रसोई में गई, वहां पे एल्युमिनियम फॉइल में रोटी और सब्जी रखी हुई थी, गोभी की सब्जी थी उस दिन बनी थी, गोभी आलू।
तो वो रोटी में लपेट के उन्होंने रखी और मुझे दे दी। मैं घर गई, जाके अंकल से कहा कि ये लीजिए, गुरुजी ने अपने हाथ से, मैंने गुरुजी ने प्रसाद भेजा है, आप खा लीजिए। उन्होंने खा लिया। सचमुच अंकल जी, एक मेरा एक सत्संग और है कि उस दिन मेरी फ्रेंड ऊपर, वहां हमारे घर के ऊपर ही रहती थी, उसने अपने घर में बुलाया था कुछ सबको, तो मैं भी गई। तो चार पांच बजे थे, तो मैंने कहा मैं अब घर जा रही हूँ। कहती क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रही हूँ, अभी बैठो। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं घर जाऊं। कहती अभी तो मौली साहब अभी तो 6:30 बजे तक आएंगे, तुम इतनी जल्दी जाके क्या करोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। उसने फिर कहती अच्छा ठीक है चलो तुम जाओ। संगत जी, मैंने जैसे ही जाके अभी दरवाजा खोला, इतने में टेलीफोन की बेल रिंग हुई। उस समय तो मोबाइल नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन थी। तो मैंने उठाया फोन, मैंने कहा हेलो। कहते हेलो। मैंने कहा हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं। कहते मैं गुरुजी। मैंने कहा मेरे म्यूजिक टीचर आते हैं तो उनको भी मैं गुरुजी कहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी। कहते हाँ मल्ली आंटी, पहचानिया नहीं। मैंने कहा हाय राम, गुरुजी आप हैं। मैं गुरुजी प्रणाम। मुझे कहा हाँ खुश रहो। फिर गुरुजी कहते कि आज शामी अंकल नूं लेके छोटे मंदिर आना हैगा, मेरे नाल लंगर करी। मैं कहा जी गुरुजी। बस इतनी सी ही बात हुई और गुरुजी ने फोन रख दिया। अब मैं कहूँ कब अंकल आएंगे, कब हम जाएंगे गुरुजी के पास। आज गुरुजी ने बुलाया है, लंगर के लिए बुलाया है। इतने में 6:30 बज गए तो अंकल आ गए। तो मैंने कहते कि मैंने कहा सुनिए, मुँह हाथ धोके तैयार हो जाइए, हम लोग को गुरुजी के पास जाना है। कहते गुरुजी के पास जाना है, आज तो वेडनेसडे है। मैंने कहा हाँ आज वेडनेसडे है, लेकिन गुरुजी का फोन आया था और उन्होंने बोला है कि अंकल के साथ आना, लंगर करना। हाँ गुरुजी को तो कोई काम तो है नहीं, बस तेरे को ही फोन करेंगे। मैंने कहा सच कह रही हूँ, मेरे को गुरुजी का फोन आया था। कहते अच्छा ठीक है चलो फिर चलेंगे। तो हम लोग सब गए वहां पे, 7-8 संगत और थी। बस हम लोग सब गुरुजी के पास बैठे। उस दिन बहुत आनंद आया, इतने प्यार से गुरुजी बातें करी, सब लोग बैठे हुए थे और फिर लंगर भी किया। लंगर खा के हम सब वापस आए। इतना प्यार दिया है गुरुजी ने, इतना प्यार दिया है कि बस ये झोलियां हम लोग की छोटी पड़ जाती हैं। ऐसे लगता है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे कहें। गुरुजी की जब मैंने चरण दबाती थी और ये जो आंखें थी ना, बस बहती रहती थी। मेरे को समझ नहीं आता था कि क्या है। पर एक दिन गुरुजी से हिम्मत करके मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये आपको देखती हैं ये आंखें तो क्यों रोती हैं इतना। कहते मल्ली आंटी, ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा परमात्मा को सामने देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है, तो बस आंसू बहते हैं। मैंने कहा जी गुरुजी। संगत जी, आज मैं इतनी खुश हूं, मैं सच कहती हूं कि ये आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आज सत्संग करूं। सचमुच धन्य भाग मेरे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब ने मुझे बुलाया और इतने प्यार से मुझे सुना। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं और गुरुजी का तो मैं क्या कहूं, कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं बना। फिर भी गुरुदेव बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।